हेलो चिल्ड्रन, वेलकम फॉर द थर्ड स्टैंडर्ड ऑनलाइन लेक्चर सब्जेक्ट EVS चैप्टर नंबर 14 इनसाइड द किचन। इनसाइड द किचन, किचन आपको पता है किसको बोलते हैं? किचन, जहाँ पे आपकी मामा खाना कुक करते हैं उसको किचन बोलते हैं। इनसाइड द किचन क्या क्या एक्टिविटी होती है आप देख सकते हैं। यहाँ कुकिंग हो रहा है, फ्राई हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग चीज कुक हो रही है, यहाँ पे कुछ चीज अलग हो रही है, यहाँ रोटी बन रही है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमारे किचन में बनते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ओनली के इनसाइड द किचन हाउ द फूड इज कुक बाय व्हाट मैथड इट इज कुक वी विल लर्न इन दिस लेसन। नाउ सी हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम। ना सब फूड आइटम एक ही मैथड से कुक नहीं होते। सब हर किसी को हम लोग बॉयल करके नहीं पकाते, किसी को हम फ्राई करते, किसी को हम बॉयल करते, किसी को हम स्टीम देते हैं। कुछ चीजें हम विदाउट कुक करके भी ईट करते हैं। तो वी विल लर्न सेम इन दिस पैराग्राफ। पीपल प्रिपेयर अ वराइटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। दे यूज अ वराइटी ऑफ इंग्रीडियंट फॉर द पर्पज लाइक राइस, वीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ईग, मीट एंड फिश। मीन्स हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम। हमारे जो फूड आइटम्स रहते हैं, सपोज अभी राइस है, सिंपल एक सिंपल राइस हमने बॉयल करके बनाए। लेकिन अगर हम दूसरी चीज बना रहे, जैसे चपाती बना रहे तो उसके लिए हमको वीट चाहिए, दाल बना रहे तो पल्सेस चाहिए, अलग अलग वेजिटेबल्स चाहिए। हर बार हम लोग सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं खा सकते, हमको मीट भी चाहिए, फिश भी चाहिए, एग भी चाहिए, है ना। हम लोग इससे प्रीवियस लेसन में हम लोग ने यही पढ़े थे कि हमारा जो ईटिंग हैबिट रहती है वो रेगुलर हम लोग सेम फूड नहीं ईट करते, बिकॉज अगर हम सेम फूड ईट करेंगे तो बोर हो जाएंगे। सो सिमिलरली यर कि डिफरेंट वराइटी ऑफ फूड इज कुक बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट इंग्रीडियंट्स। सी मैनी ऑफ आर फूड्स आर प्रिपेयर बाय हीटिंग। प्रिपेयर बाय हीटिंग, जैसे हमारा राइस है, मीट है, पल्सेस है, दाल है, ये सब हमको हीट करके पकाना पड़ता है। टू कुक राइस वी एड वाटर टू द राइस एंड बॉइल इट। राइस कैसे पकाते हैं? राइस के अंदर वाटर डालते हैं और उसको बॉइल करते हैं। पूरीज, पकौड़ाज आर फ्राइड। पूरी को कैसे बनाते हैं? ऑयल में पूरा फ्राई करके। पकौड़ा मीन्स भजिया, वो भी आप फ्राई करके बनाते हैं। ऑयल और घी इज यूज टू फ्राई देम। पूरी और पकौड़ा को फ्राई करने के लिए क्या करते हैं? कोई कुछ लोग ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग घी यूज करते हैं। देन मोदक एंड इडलीज आर स्टीम। मोदक कैसे बनता है? मोदक और इडली, उसको एक जो बर्तन होता है स्टीम का, वैसे बर्तन में रखते हैं और उसको स्टीम देते हैं, स्टीम में भाप से पकाते हैं। देन चपातीज एंड भाकरीज आर रोस्टेड। चपाती और भाकरी कैसे बनाते हैं? हम लोग पूरा रोस्ट करके, मीन्स सेक के। फूड स्टफ बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट वेन प्रिपेयर बाय हीटिंग देम। अभी आपको अगर मैं कच्चा राइस दूंगी तो आप कैसे खाओगे? खाओगे तो आपका स्टमक फुल होगा, नहीं। लेकिन सिमिलरली वही राइस को अगर मैं बॉयल करती हूँ, उसका मैं पुलाव बनाती हूँ या बिरयानी बनाती हूँ, तो वो आपको टेस्टी भी हो जाएगा और खाने के लिए इजी भी हो जाएगा, और सिमिलरली वो आपको डाइजेस्ट करने के लिए भी इजी हो जाएगा। इसके लिए फूड को हीट करके, मीन्स कुक करके हम बनाते हैं ताकि वो हमारे लिए टेस्टी और इजियर टू डाइजेस्ट हो जाए। और हम लोग वराइटी ऑफ फूड्स खाते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, एग है। एग भी हम लोग कितने वैरायटी से खाते हैं, हम उसको कुक करके खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, फ्राई करके खा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, नाउ लेट्स टर्न द पेज नंबर 82। नाउ व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर? इन द पिक्चर यू कैन सी अ गर्ल इज ईटिंग अ वॉटरमेलन, करेक्ट, एंड अ बॉय इज ईटिंग बनाना। मम्मी यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सी हाउ एवर नॉट ऑल फूड स्टफ्स आर प्रिपेयर बाय हीटिंग। वी ईट सम ऑफ देम रॉ, दैट इज अनकुक। रॉ मीन्स कच्चा, अनकुक, जैसे बनाना, सारे जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ये हम लोग कुक नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली उसको ईट कर लेते हैं। वी ईट फ्रूट मोस्टली विदाउट कुकिंग। कुछ फ्रूट्स के हम लोग हलवा बनाते हैं या पेस्ट्री बनाते हैं, लेकिन ऐसे मेजोरिटी टाइम्स हम लोग जो सारे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ये सब हम लोग रॉ खाते हैं। रॉ मीन्स कच्चा, विदाउट कुकिंग। ओके, वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर एंड कैरो टमाटोज रॉ। अ कुकुम्बर, अ सलाद और अ बनाना शेक्स आर मेड विदाउट हीटिंग। अभी सलाड में हम लोग कौन कौन से वेजिटेबल्स खाते हैं? कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, टमाटो हो गया, ये सब वेजिटेबल्स हम लोग बिना कुक करे खा सकते हैं, मीन्स उसको रॉ ही खा सकते हैं। रॉ मीन्स कच्चा। अब जैसे बनाना, हम लोग बनाना शेक बना रहे हैं, तो बनाना लिए, मिल्क लिए, उसको मिक्सर में ग्राइंड किए, उसको विदाउट हीटिंग हमारा बन गया। सलाड भी हमने अलग अलग स्टाइल से कटिंग किए, उसको हम लोग ईट कर लिए,
चॉप करके खा लिए, तो वो भी हम लोग ने हीट नहीं किया, उसको विदाउट कुकिंग हम खा रहे हैं। हैव यू नोटिस पापड़ मे बी रोस्टेड और मे बी फ्राइड। अब एक पापड़ को प्रिपेयर करने के टू मेथड होते हैं, या तो आप उसको ऑयल में फ्राई कर लो या तो आप डायरेक्टली उसको रोस्ट कर लो, मीन्स सेक लो। टेक टू पापड़ ऑफ सेम काइंड, रोस्ट वन फ्राई द अदर, वॉट इज द डिफरेंट इन देयर टेस्ट, विच डू यू लाइक बेटर। अभी सबका टेस्ट भी अलग होता है, किसी को रोस्ट किया हुआ पापड़ ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को फ्राई किया हुआ। सेम पापड़ अगर आप रोस्ट करके खाओगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, सेम पापड़ अगर आप फ्राई करके खाओगे तो उसका भी टेस्ट डिफरेंट होगा। सिमिलरली पीनट भी है और भी अदर एग्जाम्पल्स है। ओके, वॉट इज द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ स्वीट पटेटो एंड अ बॉइल्ड पटेटो, सॉरी टेस्ट ऑफ अ रॉ पटेटो एंड अ बॉइल्ड पटेटो। रॉ पटेटो मीन्स कच्चा पटेटो। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग। नाउ जो कुकिंग करते हैं उसके लिए जो हीट आती है वो हीट कहाँ से आती है, दैट इज द मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट। एक ही तरीके से हीट सप्लाई नहीं करते कुकिंग के लिए, अलग अलग मेथड यूज करते। वी कैन चूज फ्रॉम द वेरियस फ्यूल टू सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग, मीन्स एक कुकिंग को हीट करने के लिए, जैसे किसी के घर में स्टोव अवेलेबल रहता है तो वो स्टोव से कुकिंग करता है, किसी के घर में गैस, और पुराने जमाने में गोबर गैस यूज करते थे, लकड़ी का चूल्हा यूज करते थे। तो मीन्स देर आर डिफरेंट मैथड ऑफ चूजिंग, क्या बोलते हैं, हीटिंग मैथड डिफरेंट होता है। नाउ अगेन वी हैव सम न्यू टर्म हियर, अ फर्स्ट न्यू टर्म इज अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्बस्टेबल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड अस कम्बस्टेबल सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस बर्न हो सकता है उसको हम लोग कम्बस्टेबल बोलते हैं। Camphor burn, hence it is a combustible substance. Water does not burn, hence it does not combustible. मतलब जो चीज में आग पकड़ सकती है उसको combustible बोलते हैं, और जो चीज आग नहीं पकड़ती है उसको non combustible substance बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लकड़ी ले लो, लकड़ी में आग लगाएंगे तो वो आग पकड़ेगी, लेकिन पानी में आग लगाओगे तो आग नहीं पकड़ेगी। तो वी कैन से द एग्जाम्पल वुड इज अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड वॉटर इज अ नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट न्यू टर्म इज अ फ्यूल, वट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूल, अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस डेट कैन बी यूज कन्वीनियंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज कॉल्ड फ्यूल। अभी जो सब्सटेंस से आग लग सकती है और हम लोग कुकिंग के लिए उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूल। जैसे कैरोसिन है, करेक्ट, कोल है, कोल मीन्स कोयला, कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस जो हमारे घर में रहता है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल है। हमारा गैस जो रहता है ऐसे रहता है, उसके साथ क्या कनेक्टेड रहता है, सिलेंडर, एंड ये सिलेंडर से गैस पास होती है तभी हमारा बर्नर चलता है एंड देन हमारा कुकिंग होता है। क्योंकि यहाँ से गैस पास होगा, यहाँ पे आएगी उसकी फ्लेम, बर्न होगा और फिर कुकिंग जो हीटिंग होगा तो फिर कुक होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे लकड़ी का चूल्हा है जो पुराने टाइम्स में यूज होता था, या तो नाउ अडेज अभी विलेजेस में भी यूज होता है, तो लकड़ी डाल के नीचे आग लगाते हैं और फिर उसकी जो आग जो आती है उससे जो हीट होता है उससे कुकिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूल। जैसे ये है फ्यूल, ये है फ्यूल। ओके, सो लर्न दिस टू न्यू टर्म, दैट इज अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड अ फ्यूल। हाउएवर ऑल अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस आर नॉट यूज एज अ फ्यूल, ओनली दोज व्हिच बर्न इजली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल। यानी जो हमारे कुकिंग के लिए यूज हो रहा है, जो जल्दी से आग लग पकड़ लेता है और हमारे को कुकिंग में हेल्प कर सकता है जिससे हीट आएगी, उसको ही हम लोग कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। नाउ अ डे मैनी पीपल प्रिफर टू यूज कुकिंग गैस एज फ्यूल, कुकिंग गैस ही यूज करते हैं ज्यादातर, सबके घर में यही रहता है। इट इज इजी टू यूज, इट इज इट लाइट क्विकली, इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव टाइम। गैस पे कुक करने के बेनिफिट्स, जैसे अगर इस पे कुक करे तो बहुत स्मोक्स निकलेगा, बहुत धुआं, लेकिन इसमें कुक करे नो धुआं। अगर आप लोग लकड़ी के चूल्हे पे कुक कर रहे हो तो स्लो स्लो पकेगा, ज्यादा टाइम लगेगा आपको, इसमें फास्ट पकेगा, आपका टाइम सेव होगा। तो इसके लिए कुकिंग गैस ही नाउअडेज इज यूज एवरीवेयर इन द होम। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी थी कि सम पीपल यूज फायर वुड फॉर कुकिंग, जैसे ये वाला, इससे लकड़ी जला के जो करते हैं इसमें बहुत धुआं निकलता है, बहुत टाइम लगता है। ना सम पीपल यूज अ कोल बर्निंग स्टोव, कोल बर्निंग स्टोव यानी जिसको आप हिंदी में सिगड़ी बोलते हो, करेक्ट, इस पे भी खाना पकाते, नीचे कोयला जला देते हैं, फिर उसमें से धुआं आते रहता है, हीट, कोयला जलते रहता है, हीट होते रहता है, और फिर आप उसके ऊपर वेसल रखोगे तो भी वो खाना पकता है।
नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या है, कोल ऑल्सो गिव आउट स्मोक, कोल से भी बहुत धुआं होता है. दोज हु यूज फ्यूल लाइक वुड और कोल दैट गिव्स आउट स्मोक मस्ट हैव विंडो इन देयर किचन. दैट्स वाई वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस. अब जो लोग सिगड़ी पे या लकड़ी के इस पे बनाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसके किचन में विंडो होना जरूरी है. ओके, नाउ लेट्स टर्न द लास्ट पेज ऑफ द लेसन. सम पीपल यूज केरोसिन स्टोव फॉर बर्निंग फॉर कुकिंग. मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टोव पे भी खाना कुक करते हैं जिन लोगों के घर में गैस नहीं रहता है. नाउ अ डे वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट फॉर कुकिंग एंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज. अब भी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो गैस निकला है, जो हम लोग कैसा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, इस पे आप इंडक्शन गैस जिसको बोलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. हॉट प्लेट रहती है उसके ऊपर ही वेसल रखते हैं, वो हीट होता है और खाना कुक होता है. सम पीपल यूज बायोगैस, बायोगैस भी एक तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो खाना कुक करने के लिए. सम पीपल यूज द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, दे यूज सोलर कुकर. जो सोलर एनर्जी यूज करता है उसको क्या बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी यूज करके सोलर कुकर यूज करते, तो वो भी एक मेथड है ऑफ कुकिंग फूड. वी कुक फूड बाय हीटिंग, इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड इजियर टू डाइजेस्ट. ये मैंने आपको बता दी. अलग अलग मेथड होते हैं, बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग है. सलाद, मिल्क शेक आप विदाउट कुकिंग खाते हो, फ्रूट्स भी आप विदाउट कुकिंग खाते हो. डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप खाना पका सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, स्टोव यूज करके, गैस यूज करके, लकड़ी का चूल्हा यूज करके, सिगड़ी यूज करके या इंडक्शन गैस यूज करके. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग. यानी इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन गैस और सोलर कुकर जो यूज करते हैं जो सन की हीट लेके, उसको भी हम लोग खाना बना सकते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन के देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, देर आर डिफरेंट सोर्सेस अवेलेबल फॉर कुकिंग. I hope you have understood this lesson. Thank you.